नमस्कार, मैं महक वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के दो बड़े ऐलान, जल्द होंगे चुनाव और मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जल्दी ही विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव है जब सीमा पार से आतंकवाद, पत्थरबाजी और हमले चुनावी मुद्दे नहीं है। यह चुनाव सिर्फ सांसदों को चुनने के लिए नहीं है बल्कि केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खाने की वीडियो दिखाकर लोगों की भावनाओं को आहत कर ये किसको खुश करने का खेल कर रहे हैं। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता मुजरिम के घर जाकर मटन बना रहे हैं और उसका वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। बसपा ने जारी की 9 प्रत्याशियों की लिस्ट, गोरखपुर से जावेद सिमनानी को टिकट। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है। ये बसपा की चौथी लिस्ट है। बसपा ने आजमगढ़ से भीम राजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान, एटा से मोहम्मद इरफान, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा ने अब तक 45 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बसपा इस बार लोकसभा चुनाव अकेले लड़ रही है। यूपी में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोट डाले जाएंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी का दावा, सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश की जा रही है। आतिशी ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया है। इससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश चल रही है। मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली में कई दिनों से किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। दिल्ली में कई विभाग खाली पड़े हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ FIR के आदेश, NGO ने लगाए थे गंभीर आरोप। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके अधीनस्थ अधिकारी YVVJ राजशेखर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गैर सरकारी संगठन प्लेजेंट वैली फाउंडेशन की शिकायत पर कोर्ट ने राजस्व पुलिस को मामला दर्ज कर आरोपों की जाँच करने को कहा है। प्लेजेंट वैली फाउंडेशन ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने 14 फरवरी को दादाकड़ा गांव में संचालित स्कूल में 4 लोगों को भेजा। इन लोगों ने NGO के संयुक्त सचिव के कार्यालय में तोड़फोड़ की, फाइलें, रिकॉर्ड, दस्तावेज और पेनड्राइव अपने साथ ले गए जिनमें कथित तौर पर घोटाले से जुड़े सबूत थे। इसके साथ ही उन्हें सतर्कता विभाग और अन्य जगहों पर घोटालों से जुड़ी शिकायत वापस लेने की धमकी दी गई। ऐसा न करने पर NGO के अधिकारियों को फंसाने की भी धमकी दी गई। आज से बदलेगा यूपी में मौसम, कई जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज रात से मौसम बदलने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इससे नोएडा, गाजियाबाद से लेकर पश्चिमी यूपी के विभिन्न इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि दिन में धूप खिलेगी और तापमान बढ़ता महसूस होगा। पूर्वी यूपी में पश्चिमी यूपी की तुलना में ज्यादा जगहों पर बारिश हो सकती है। इस अवधि में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। इसके अलावा आगामी 14 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में गरज और चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने दिखाया दम, ATGM से लगाया सटीक निशाना। सेना की त्रिशक्ति कोर ने प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से सटीक निशाना लगाया। सेना के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार अभ्यास के दौरान गतिशील और स्थिर लक्ष्यों पर विभिन्न प्लेटफॉर्मों से फायरिंग की गई।
इस अभ्यास से एक मिसाइल और एक टैंक के उद्देश्य की पुष्टि हुई। सेना की ATGM टुकड़ियों ने अद्वितीय क्षमता के साथ बख्तरवंत खतरों को बेअसर करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में पूर्वी कमान की मैकेनाइज और इन्फेंट्री इकाइयों की मिसाइल फायरिंग टुकड़ियों ने भाग लिया। सेना के अभ्यास के दौरान सुपर हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली की सटीकता को प्रदर्शित किया गया। अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को मिली बम्पर ओपनिंग, पहले ही दिन बनाया रिकॉर्ड। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ईद पर रिलीज हुई और पहले ही दिन कलेक्शन के मामले में फिल्म क्रू और शैतान को पीछे छोड़ दिया है। सेक्निल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार बड़े मियां छोटे मियां ने दमदार ओपनिंग करते हुए पहले ही दिन 15,50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। इसके विपरीत फिल्म शैतान ने पहले ही दिन 15,21,00,000 रुपए की कमाई की थी, जबकि करीना कपूर की फिल्म क्रू का पहले दिन कलेक्शन मात्र 10,28,00,000 रुपए रहा था। माना जा रहा है कि इस वीकेंड पर बड़े मियां छोटे मियां की कमाई में और उछाल आ सकता है। बड़े मियां छोटे मियां में मनुषी छिल्लर, अलाया एफ, पृथ्वीराज सुकुमारन और रोनित रॉय बॉस भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।